तो ये पहले आर्टिकल पर चलते हैं, सेडिशन लॉ। अब कोर्ट क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, तो ये आपने देखा होगा जो वीडियो है काफ़ी वायरल हुआ था कि एक जो ये बंदा है ये बोल रहा था कि नॉर्थ ईस्ट जो है उसे पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कर देंगे इंडिया से, है ना। तो इस तरीके की बात हमें देखने को मिल रही थी, तो मतलब क्या है, देश तोड़ने की यहाँ पर बात हो रही थी, तो सीरियस चार्जेस यहाँ पर सेडिशन के लगे थे। तो बेसिकली हुआ क्या है, इसकी जो बेल है एंटीसिपेटरी बेल जो है वो यहाँ पर दाखिल करने की बात की जा रही थी। अभी देखिए बेल जो है वो अलग अलग होती है ना। एंटीसिपेटरी बेल मतलब क्या होता है, बेसिकली कि आपको पता है, मतलब कोई भी अगर कोई नामचीन इंसान है अगर उसे पता है कि उसे जेल होने वाली है तो एंटीसिपेटरी बेल जो है वो डाल देते हैं कि यहाँ पर मेरे को जेल होने से पहले ही बेल जो है वो डाल दी जाए। तो यहाँ पर हुआ क्या है, सेशंस कोर्ट जो है मुंबई ने उसे रिजेक्ट कर दिया एंटीसिपेटरी बेल। 22 ईयर ओल्ड जो स्टूडेंट जो बुक किया गया है सेक्शन 124A सेडिशन के अंडर में ऑफ इंडियन पिनल कोड, और उसी के साथ साथ 50 और लोग भी है। तो यहाँ पर मेंस के लिए आपके लिए क्वेश्चन आता है कि सेडिशन लीड्स टू सॉर्ट ऑफ अनऑथोराइज्ड सेल्फ सेंसरशिप, फॉर इट प्रोड्यूसेस अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्री स्पीच। अब यहाँ पर देखिए इस पर आपको कमेंट करना है, तो क्वेश्चन समझने में शायद थोड़ा मुश्किल आ जा रही होगी क्योंकि इसमें चिलिंग इफेक्ट जो है ये सब कुछ है। तो जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगा आपको चिलिंग इफेक्ट जो है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मगर फिलहाल आपको ये जो क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट करना है। अभी देखिए लॉ क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉ क्या कहता है, क्योंकि हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस आर्टिकल को देखना है। ये तो हमने देख लिया कि इस इंसान को जो है एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी गई है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कुछ भी है इस इंसान ने जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ, तो ये सब कुछ हमें पता है। लेकिन इसने क्या बोला है ये एग्जाम में नहीं आएगा, क्या स्लोगन्स यहाँ पर रेस किए गए थे वो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा सेडिशन लॉ के बारे में। इसलिए लॉ क्या कहता है, तो सेक्शन 124A जो है IPC का वो कहता है, Whoever by words either spoken or written or by sign or by visual representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempt to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life to which fine may be added or imprisonment which can be extended to 3 years which fine may be added with fine। तो मतलब अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, काफ़ी अगर समझ में नहीं आया है आपको तो मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ, वही तो मेरा काम है। तो यहाँ पर बेसिकली बोला क्या गया है कि अगर कोई भी इंसान है, ठीक है, कोई भी इंसान है, हम ले लेते हैं ABC इंसान को, ठीक है, एक ABC नाम का इंसान है, उसने अगर रिटर्न फॉर्म में या फिर किसी साइन के थ्रू, होता है ना कि हम कोई साइन कर रहे हैं किसी भी तरीके की, उसी के साथ साथ कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब अगर कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो, या फिर किसी भी तरीके से अगर वो हेट्रेड या फिर कंटेम्प्ट लाने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई डिसअफेक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जो भी गवर्नमेंट स्टैब्लिश की गई है लॉ के तहत उसके अगेंस्ट में, तो फिर उसे पनिश यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट जो स्टैब्लिश की गई है लॉ के तहत, ये कहता है सेक्शन 124A ऑफ IPC इंडियन पिनल कोड। तो आपको समझ में आ गया है, किसी भी तरीके से हो सकता है, रिटर्न में हो सकता है, साइन के जरिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसी भी जरिए वो हो सकता है। अभी देखिए थोड़ा बहुत हिस्ट्री हमें इसके बारे में समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब सेडिशन लॉ जो है एनैक्ट किया गया था 17th century में इंग्लैंड, जब लॉ मेकर जो उनको ऐसा लगा था कि गवर्नमेंट जो है उनके लिए किसी ने भी बैड ओपिनियन नहीं रखना चाहिए, है ना, क्योंकि मोनार्की, तो बैड ओपिनियन नहीं रखना चाहिए, और इसीलिए ये जो है ये बोरो किया गया है, जो सेंटिमेंट है, ये जो लॉ है ये बोरो किया गया है और इंसर्ट किया गया है सेक्शन 124A ऑफ IPC 1870 में ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ब्रिटिशर जो है उनकी जो भी यहाँ पर चीज़ें चलती आ रही थी तो उसके अगेंस्ट में काफ़ी लोग जो है वो उठाव करने शुरू कर दिए थे, है ना। मतलब 1870, मतलब आप देखिए 1885 में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी, तो उससे पहले तो काफ़ी कुछ जो पार्टी से हमें देखने को मिली थी, तो इसे डिसअफेक्शन यहाँ पर स्प्रेड करना शुरू कर दिया था। उसी के साथ साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर जो है वो भी खुल चुके थे, प्रेस में जो बातें हैं वो जाती थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर ये जो सेक्शन 124A IPC का वो लेकर आ गए थे, और ये जो सेडिशन लॉ है इसके जरिए जो फ्रीडम फाइटर्स क्या करते थे, जो ब्रिटिशर्स से उनके अगेंस्ट में यहाँ पर इंडिया के फेवर में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बातें करते थे, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो चीज़ है ये उनके अगेंस्ट में इस्तेमाल किया करते थे ब्रिटिशर्स। और पहली बार जो इस्तेमाल किया गया था वो किया गया था बाल गंगाधर तिलक के अगेंस्ट में 1897 में, ठीक है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक आप सभी को पता है जो गणेश फेस्टिवल है उनके द्वारा लाया गया, गणेश फेस्टिवल के जरिए जो लोग हैं उन्हें इकट्ठा करके जो ब्रिटिशर्स से उनके अगेंस्ट में वो बातें किया करते थे।
अब यहाँ पर बेसिकली कोर्ट जो है उनका ये क्या कहना था कि जो केदारनाथ केस हुआ था, ठीक है, केदारनाथ केस हुआ था, अब ये जो चीज़ है मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ना हो तो किसी ने भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोल दिया, अब फॉर एग्जांपल इस इंसान ने बोल दिया कि बिक गई है गवर्नमेंट, तो ये भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही है, तो अब ये भी सेडिशन जो है ये भी हो सकता है ना, ये भी सेडिशन, सरकार तो कुछ भी कर सकती है, फिर सेडिशन इस पे भी लगा दी 124 जो इस पर लग गया भाई साहब। लेकिन जो कोर्ट है उन्होंने केदारनाथ केस जो है उसमें कहा था कि जो क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट का वो सेडिशन करके नहीं लिया जा सकता है, मतलब क्रिटिसिज्म करोगे कि सरकार ने ये चीज़ गलत की है, चलो पकड़ो इसको सेडिशन में डाल दो अंदर, ऐसा नहीं हो सकता है। आप यहाँ पर क्रिटिसिज्म अगर कोई कर रहा है तो उससे आप सेडिशन के तौर पर नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर कोई हेट्रेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ना, तो उससे आप बोलोगे कि ये सेडिशन जो है ये है। तो यहां पर ये सब मिलके बेवकूफ बना रहे हैं, गवर्नमेंट बिक गई है, ये सब कुछ जो है सेडिशन में हम ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से आती है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच ये डिफिकल्ट क्वेश्चन अराइज करता है कि स्टेट जो है उसका कितना रेगुलेशन इस पर रहेगा। मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं सरकार के अगेंस्ट में बोल सकता हूँ, अगर मेरे को सरकार की कोई जो लॉज है वो पसंद नहीं आते हैं तो उसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो क्या उसे सेडिशन करार कर दिया जाए? तो ये इसका सिग्निफिकेंस है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें मिला हुआ है, हम सरकार के अगेंस्ट में बोल सकते हैं और सरकार ने उस पर कितना रेगुलेशंस लगाने चाहिए, सरकार ने कितनी पाबंदियां लगानी चाहिए, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का प्रावधान दिया है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का, और ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ये भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्सरसाइज किया जाना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर सिटीजन जो है उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच वॉयलेट ना हो। ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये बात की गई है आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब अगर जो सोवरेनिटी इंटीग्रिटी है इंडिया की वो अगर ख़राब होती है, जो सिक्योरिटी है स्टेट की वो अगर ख़राब होती है, फॉरेन स्टेट के साथ अगर फ्रेंडली रिलेशन हमारे ख़राब होते हैं, पब्लिक ऑर्डर अगर तहस नहस होता है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, डिफेमेशन होता है, तो ही सिर्फ आप उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, बाकी किसी को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब कोई भी बोल सकता है ना। अगर कोई इस तरीके के भाषण कोई देता है कि यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसको हम तोड़ देंगे, मतलब क्या है, भारत की इंटीग्रिटी सोवरनिटी जो है उसके इंटरेस्ट में नहीं है, है ना, मतलब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को यहाँ पर खतरा हो रहा है, तो ये जो है ये लिया जा सकता है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मगर आप प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो तो रहने चाहिए, आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं नॉर्थ ईस्ट को तोड़ना चाह रहा हूँ और ये तो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना। तो इतना रिस्ट्रिक्शन जो है यहाँ पर लाया गया है। सेडिशन जो है गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि आप जो मूवमेंट है उसे आप रोक सको, मतलब जो सेपरेटिस्ट लोग होते हैं उनकी मूवमेंट को रोकने के लिए ये जो सेडिशन लॉ है ये हेल्प करता है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। मतलब ये इसके तहत हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर सेडिशन लॉ जो है वो रहना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आपके पास है, लेकिन सरकार को कुछ तो यहाँ पर रेगुलेशन रहना चाहिए कि अगर कोई इंटीग्रिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, सोवरेनिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, फ्रेंडली रिलेशन खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उसे यहाँ पर सेडिशन लॉ के तहत तो ये करना चाहिए, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है कि सेडिशन लॉ यहां पर रहना चाहिए, ये पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। देखिए मेंस में अगर आप जब भी आंसर लिखते हो तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपको लिखने पड़ते हैं, उसके बाद आपको जो लिखना है, आपको जो लगता है वो आप लिख सकते हो, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यहां पर सिनारियो आपको रखना पड़ता है, तो ये इसका पॉजिटिव सिनारियो भी देखने को मिलता है। अब आते हैं हम नेगेटिव सिनारियो पे, तो नेगेटिव सिनारियो कौन कौन से हैं? तो सेडिशन जो है ये अनऑथराइज्ड सेल्फ सेंसरशिप ये हमें देखने को मिलता है, जिससे चिलिंग इफेक्ट जो है फ्री स्पीच पर वो हमें देखने को मिलती है। चिलिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि डिसकरेजमेंट अगर आप करते हो, मतलब नेचुरल या फिर लीगल राइट का, जो लीगल आपने लीगल जो भी तरीके दिए गए हैं उसको अगर आप डिसकरेज करते हो तो उसे हम कहते हैं चिलिंग इफेक्ट। मतलब सरकार ने अगर यहाँ पर लीगल राइट दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया हुआ है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसे अगर सरकार जानबूझकर डिसकरेज करना चाहती है, उसे जानबूझकर कर्टेल करना चाहती है, तो उसे हम कहेंगे चिलिंग इफेक्ट। तो फ्री स्पीच पर चिलिंग इफेक्ट जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस करता है ये सेडिशन लॉ, ये बोला गया है। तो अब आपको चिलिंग इफेक्ट मतलब समझ में आ गया है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, हर सिटीजन जो है डेमोक्रेसी में वो क्वेश्चन रेज कर सकता है, डिबेट कर सकता है, डिसअग्री कर सकता है, चैलेंज कर सकता है गवर्नमेंट के डिसीजन को, तो इसे भी सरकार जो है सेडिशन लॉ के तहत में ला सकती है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया।
तीसरा क्या है, सिडिशन जो है ये गांधी जी की फिलॉसफी जो है उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करता है कि यहाँ पर डिसेंट लोगों के पास अधिकार है। और चौथी चीज़ आती है, जवाहरलाल नेहरू जो है पार्लियामेंट में उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि यहाँ पर 124 ये जो है हाईली ऑब्जेक्शनेबल है ना, तो इसीलिए इससे कुछ बेटर हमें यहाँ पर लाना चाहिए। इवन यूके जो है जहाँ से लॉ ओरिजिनेट होता है उन्होंने भी इसे रिपेल कर दिया है, तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ आती है ना। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ये नेगेटिव पॉइंट सेडिशन लॉ के देखने को मिलते हैं। तो आप पर निर्भर करता है कि आपको एंड कैसा करना है, आपको पॉजिटिव नोट पर करना है, नेगेटिव नोट पर करना है, कैसे आपको ये करना है, या फिर कोई सजेशंस आपको देने हैं।